हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हम बात करने हैं महिंद्रा की बोलेरो, जो कि बहुत फेमस गाड़ी है। महिंद्रा का लोहा बोला जाता है इसको। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि महिंद्रा की बोलेरो कैसा है, उसका रिव्यू करने वाले हैं। तो मैं सोचा है कि आप लोग को एक तो रिव्यू क्यों ना दिया जाए कि गाड़ी में क्या फीचर्स है, क्या है नहीं है बोल के, इसलिए बने रहें वीडियो पर। फ्रंट से बात करें दोस्तों, तो आपको यहाँ पे हेलोजिन मिल जाता है, हेलोजिन लाइट मिल जाता है। ये आपका इंडिकेटर हो गया, ये पार्किंग लैंप हो गया। बी6 ऑप्शनल में यहाँ पे कॉर्नर लैंप का फीचर मिलता है दोस्तों, मगर ये बी6 है बोल के इसमें नहीं मिलता है। नीचे यहाँ पे हमने एक्सेसरीज में ये लगाया हुआ है फॉग लैंप, जो कि बी4 में भी या बी6 ऑप्शनल में भी नहीं आता है ये। और ये है बम्फर, ये ऐसा मिलता है दोस्तों ग्रिल। ये ट्विन पिक लोगो महिंद्रा का। यहाँ पे सिंगल हॉर्न मिलता है दोस्तों। मेटल का बम्पर मिल जाता है फ्रेंड्स। ये यहाँ पे वाइपर मिल जाता है दोस्तों। फिर ये अपना वॉशर पानी के लिए। साइड की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एंटीना मिल जाता है ये। और साइड से बात करें तो ये लंबा सा एकदम ग्राफिक्स मिल जाता है, ये पहले बोलेरो में नहीं आता था। ये डोर वाइजर हमने अलग से लगाया हुआ है एक्सेसरीज में। ये क्रोम हैंडल भी नहीं आते हैं, मगर हम लोग ने एक्सेसरीज में लगा रखे हैं इसको। टायर साइज की बात करें दोस्तों, तो C8 का टायर मिला है हमको, जो है 215/75R15 का सिक्योरा ड्राइव। यहाँ आपको फेंडर में इंडिकेटर भी मिल जाता है फ्रेंड्स। ये यहाँ पे आपको डीजल भरने का फ्यूल मिल जाएगा फ्रेंड्स। यह एयर वेंट ऐसा कुछ एयर निकलता है शायद। रियर से कुछ इस तरीका का लुक है फ्रेंड्स। यहाँ आपको टेल लाइट मिल जाता है। नीचे बात करें तो यहाँ पार्किंग सेंसर मिल जाता है दो, नीचे नंबर प्लेट। ये बम्पर हमने लोगों ने एक्सेसरीज में लगाया है फ्रेंड्स, महिंद्रा से जेन्युइन देख सकते हैं। यहाँ पे आप एडब्लू भर सकते हैं फ्रेंड्स, ये एडब्लू का है। और ये बोलेरो बी6 का बेजिंग। टेल लाइट देखते हैं दोस्तों। यहाँ आपको रियर लैंप मिल जाता है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके का साइड फेसिंग दोनों साइड मिल जाता है फ्रेंड्स। और आपको दिखाते हैं, ये रहा एडब्लू खोलने का लीवर। यहाँ से इसको पुल करेंगे तो ये अपना एडब्लू खुल गया। आप यहाँ से एडब्लू डाल सकते हैं। यह है रियर डोर हैंडल। खोल कर देखते हैं,
कुछ इस तरीका से खुलता है फ्रेंड्स। इसको बहुत हार्ड है, आइए यहाँ पे बैठ के दिखाते हैं, फोकस आराम से चढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पकड़ने के लिए लीवर भी दिया हुआ है, अलग से लगाया हुआ है स्पॉइलर एक्सेसरीज में। आइए बनते हैं, आज देखते हैं रियर सीट। और यहाँ बात करें रियर में भी पावर स्विच मिल जाता है कुछ इस तरीके का सीट है फ्रेंड्स, 7 सीटर में आता है। यहाँ पे एडजस्टेबल हैंडरेस्ट मिल जाता है फ्रेंड्स, यहाँ बीच में आपको हैंडरेस्ट में मिल जाता है, मगर वो बहुत लो क्वालिटी का है, वो मज़ा नहीं आता है फ्रेंड्स, बहुत डाउन हो जाता है। फ्रंट पैसेंजर साइड का गेट देखें तो इसमें आपको स्विच नहीं मिलता है, फ्रंट दोनों गेट में बीच में स्विच मिलता है। यहाँ पे पावर विंडो का यहाँ पे थोड़ी स्पेस, यहाँ पे भी आप एक बोतल होल्डर रखना देना चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन बोतल होल्डर के लिए नहीं है स्पेस। यहाँ पे एसी वेंट, कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड, ये फ्रंट सीट्स, स्टेयरिंग है, ट्विन पिक का लोगो है यहाँ पे, एयरबैग है साइड से, ये देखें एसी वेंट। तो यहाँ पे आपको हेडलाइट एडजस्टेबल ये स्विच मिल जाता है, ये स्टार्ट स्टॉप फंक्शन, ये हम लोग ने एक्सेसरीज में ये लगा रखा है, फॉग लाइट उसका स्विच है ये, ये है एसी वेंट। और यहाँ पे आप पार्किंग लाइट ऑन करने से बल्ब जलेगा, अभी दिन को तो मालूम नहीं पड़ रहा फ्रेंड्स। आइए अंदर बात करते हैं बैठ के। Cheers.